हेलो एवरीवन, सो ये डेकोरेशन मैंने खुद नहीं किया है, किसी को हायर नहीं किया था फॉर माय वीडियो शूट्स, तो ये आपको भी काम आ सकता है। मैं थोड़ा पास से आपको दिखा देती हूँ। देखिए, एक एक चीज़ मैंने सेफ्टी पिन से टक करी है और सेफ्टी पिन इतनी ज़्यादा हाईलाइट नहीं होती है वीडियोज़ में। ये तो क्लोजअप है, तो आपको मैं दिखा रही हूँ कि एक एक चीज़ मैंने घर से सेफ्टी पिन से टाइप करी है। ये जो पीछे ब्लैक कलर दिख रहा है, ये मेरा कर्टन है, तो ये मैंने इस तरीके से डेकोरेशन किया है। अब देखिए, इस पे मैंने ये कठपुतली लगाई है साइड के टू कॉर्नर्स पे, एक इधर और एक इधर, रेड वेलवेट के कपड़े पे। ये वेलवेट के कपड़े हैं जो कि ज़्यादा हाईलाइट होते हैं। आप नॉर्मल फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूँगी वेलवेट वाला ज़्यादा उभार देगा, ज़्यादा ग्लो आएगा उससे। ये सिल्वर कलर के टर्शल्स हैं, तो मैंने इस तरीके से करा है, पहले सिल्वर गोल्ड और ये बीच में वाइट कलर के गजरा, कुछ अलग ट्रेडिशनल की हर चीज़ यूज़ करने की कोशिश करी है इसमें, ताकि और अच्छा ग्लो आए, जैसे अपने मेहंदी हल्दी किटी पार्टीज या इन सब में अच्छा है। ये बंदेज की चुनरी मेरे पास थी, तो जो कि मैं एज ए प्रॉप्स यूज़ करती हूँ, तो इसे मैंने टाई करा है। हर चीज़ को मैंने टाई करा है, ऐसे फैला के नहीं रखा है। टाइप से क्या होता है कि फिनिशिंग दिखती है हर एक चीज़ की, और हर एक चीज़ इतना ज़्यादा लगाया है सामान, तो वो एक एक चीज़ें दिखे इसलिए। और ऑल्टरेशंस में लगाया, जैसे एक बंदेज एक गोल्डन, एक बंदेज एक गोल्डन, तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। ये मिरर वर्क है इसमें गोल्डन वाले में, और सब में ग्रीन कलर का नोट लगाया। आप कोई भी नोट लगा दीजिए, वो दिखेगा नहीं, इतना पास से कोई नहीं दिखता, फिर भी फिनिशिंग ज़्यादा रखनी है तो आप रेड भी ले सकते हैं। इस तरीके से मल्टी कलर अम्ब्रेलाज लगाए हैं। ये टर्शल्स है गोल्डन, ये दोनों मैंने लास्ट में लगाई है, एक इस कॉर्नर में और एक लास्ट वाले कॉर्नर्स में, ताकि इसका जो ग्लो है वीडियो में काफ़ी अच्छा आता है वीडियोस में, और वैसे भी कोई देखे आपके घर पे आए, कोई फंक्शन हो, तो भी बहुत अच्छा आता है। सेंटर में मैंने वाइट फैब्रिक लिया है क्योंकि पीछे बैकग्राउंड ब्लैक है, और इसके ऊपर मैंने कुछ वाइट फ्लावर्स, ये गजरे वाली माला लगाई। ये सब आपको डेकोरेटिव शॉप पर मिल जाएगी सारी चीज़ें, और मेरे पास जो अवेलेबल था मैंने उससे अपना बेस्ट देने की कोशिश की। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो और आपको आपके काम भी आया हो। इस तरीके से आप डेकोरेशन घर पे कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं पड़ेगा, इट्स वेरी रीजनेबल रेट। और घर में कोई मेहमान वगैरह आए, या छोटा मोटा बच्चे का गणेश फंक्शन से अपन जो अपना शादी का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, उसमें आप इस तरीके से डेकोरेशन कर सकते हैं। आपको किसी को बुलाने की या हायर करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से जैसे मैंने रेड कलर, वाइट कलर, येलो कलर लिया, आप कुछ ग्रीन कलर का दुपट्टा भी ले सकते हैं, फैब्रिक ले सकते हैं। ये तो जस्ट एक आइडिया है जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ मेरे वीडियो में, और मैंने भी कोई इंटरनेट से कुछ नहीं देखा है। जैसे मेरा माइंड समझ आया, जैसे मेरे पास सामान अवेलेबल था, जो मुझे पसंद आया वो मैंने लिया, और कुछ भी करके लास्ट में एक्चुअली द रिज़ल्ट इज़ वेरी गुड। और बाकी आप बताइएगा कि आपको डेकोरेशन कैसा लगा।